ध्यान दीजिए, कल हमने नोट मेकिंग का फॉर्मेट बताया था, आज है फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर। देखिए दो प्रकार के लेटर आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, अभी भी आपको बताया है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। हाँ, एक अभी छात्रा पूछ रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों में, क्या पूछ रही थी कि दोनों में फॉर्मल या दोनों में इनफॉर्मल, ऐसा नहीं होता है। ये तो फॉर्मल पहले में होगा, दूसरे में क्या होगा इनफॉर्मल। फॉर्मल मैं बता दूं आपको कि जैसे कि किसी ऑफिस के लिए लिखते हैं, किसी स्कूल के लिए लिखते हैं, किसी कॉलेज के लिए लिखते हैं, और क्या कलेक्टर ऑफिस फॉर्मल नहीं होता? कलेक्टर के लिए लिखते हैं तो वो भी फॉर्मल हो जाएगा, और यदि आप सीएम के लिए लिखते हैं तो वहाँ भी एक निर्धारित समय है तो वो भी क्या होगा फॉर्मल। प्रधानमंत्री के लिए लिखते हैं तो कैसा लिखेंगे, फॉर्मल के फॉर्मल ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री चाचा नमस्ते ऐसा कहेंगे क्या, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी ऐसे बोलेंगे ना। तो दिस इज, इसलिए जहाँ पे देश काल परिस्थिति समय निर्धारित हो वहाँ पे कौन सा लेटर होगा, फॉर्मल लेटर होगा। सीख रहे हैं प्लीज। तो फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर, मुझे याद है कि अभी तक 2 सालों के लगभग इतिहास में, क्योंकि जैसा मैंने पैटर्न देखा शुरू से, पहले मैं पढ़ाता था इनफॉर्मल, पर जब से मैंने देखा कि फॉर्मल लेटर आने ही आना है तो मैं लगभग ये गलती कर जाता हूँ या कुछ भी कहें। जल्दी बढ़ जाए प्लीज, डोंट मेक अ नॉइज। तो अपन क्या करते हैं, मैं फॉर्मल लेटर पढ़ा रहा हूँ, क्लोज दिस फॉर्मल लेटर। तो हम भी बता रहे थे क्वेश्चन नंबर फोर में एक्चुअली में क्या होता है कि दो लेटर आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अथवा में आते हैं, एक होता है। तो अब देखिए फॉर्मेट है, अभी तक 7 नंबर का आता था इसके पहले, और जब मैं पढ़ाता था मुझे याद है कोचिंग 2012 से लगभग, तो फॉर्मल एंड फॉर्मल दोनों पढ़ाता था बच्चों को, समझे ना। पर इसके बाद फिर मैं अभी जब 2021-22 से पढ़ाना शुरू किया, मतलब एक नया पैटर्न आ गया अचानक से, तो मैंने कहा कि 21 से मैं भी यही फॉर्मेट पढ़ाया था और 22 में भी यही फॉर्मेट पढ़ाया, और अभी मैं ज़्यादातर लेकिन इस साल पढ़ा दूंगा, ऐसा ना हो कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। पर विश्वास है कि पैटर्न ऐसा है कि फॉर्मल आने ही आना है, तो मैं सोचता हूँ बच्चों को क्यों कन्फ्यूज करो, इनफॉर्मल भी पढ़ो फॉर्मल भी पढ़ो। हाँ, जो नॉलेज के लिए हम आपको बता दें, पर आप किसकी चर्चा करेंगे, फॉर्मल। देखिए फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर, टू एड्रेस ऑफ सेंटर क्यों लिखा रहता है, इसलिए लिखा रहता है मान लीजिए प्रधानमंत्री जी को आपने भेजा तो वहां पे तो आपको एड्रेस ऑफ सेंटर लिखना पड़ेगा। आपने देखा होगा अगर क्लास टीचर के लिए और आप इवन प्रिंसिपल सर के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ सेंटर नहीं लेते कि फलाने फलाने डेट ये लिखते होगा नहीं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, आपको मालूम है कि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी थोड़ी ना जानते कि आप इस स्कूल के, प्रधानमंत्री जी को तो आप प्रॉपर लिखेंगे कि मैं फलाने गली नंबर ये और डेट भी नीचे लिखेंगे, ये इसलिए होता है। तो देखिये नंबर कहाँ का है, एक मार्क्स 2 से लेकर, अब जब ये नहीं लिखेंगे टू द प्रिंसिपल लिखेंगे, 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, प्रिंसिपल के बाद भी लगाएंगे, ये सब लिखेंगे। एड्रेस रिसीवर, एड्रेस ऑफ रिसीवर ये क्या है, स्कूल का नाम वगैरह लिखते हो, सीएम राइज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अधारताल जबलपुर मध्य प्रदेश, तो वो इन सभी का क्या होगा, एक मार्क्स, क्योंकि 4 मार्क्स का तो कहां तक डिवाइडेशन करेंगे। अगर आप 2 से लेकर एड्रेस स्कूल तक लिखते हो तो उसका कितना मार्क्स, 1 मार्क्स, ध्यान रखिएगा। अगर आपने लिखा तो चैलेंज कर सकते हो कि सर इसमें आप काट नहीं सकते। और अब देखिए सब्जेक्ट होता है सैल्यूटेशन, क्या होता है सर या मैडम अपन लिखते हैं ना, वो कहलाता है सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर कभी कभी लिखते हैं, अरे झंझट में ना पढ़ो सीधे सीधे लिखो सर, नहीं लिखना तो मैडम, खत्म सा आदमी बसोगे। और ये जो बीच में बॉडी ऑफ द लेटर कंटेंट एज पर द क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन दिए गए उसके अकॉर्डिंग जो कंटेंट लिखेंगे उसका क्या मार्क्स है, 2, अर्थात 2 से लेके स्कूल तक का जो होता है उसको 1 मार्क्स, सब्जेक्ट से लेकर के पूरा सैल्यूटेशन तक का कितना मार्क्स, 2। अब लास्ट में आप थैंकिंग यू ये लिखा रहता है, पर मैं कह रहा हूं कि हमको नकल नहीं माननी कि ये थैंकिंग यू लिखा तो थैंकिंग यू लिखा, अरे थैंक यू सो मच लिख दो, मैं तो लिखता हूँ हिंदी में बहुत बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद, है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ सादर धन्यवाद, कई बार बदल बदल के लिखते हैं। ये कंटेंट इंग्लिश में है, इसका मतलब है कि आपको धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं, आप और भी सब थैंक यू सो मच होता है, और क्या होता है थैंक यू वेरी मच होता है, और क्या होता है थैंक यू बस होता है, तो क्या दिक्कत है, 3 में से कोई भी उठा के रख दो, ये आपकी मर्जी है। और सेंडर्स नेम योर्स ये लिखते हैं कि भैया आपका आज्ञाकारी, आप किसी को अपने ऑब्लिडेंटली क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ड होता है फेमस है ऑब्लिडेंटली, ये उसकी स्पेलिंग अगर आप भूल जाते हैं तो मैं तो कहूंगा सीधे सीधे आप देखो योर स्टूडेंट खत्म, यदि आपको आता है तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि विद्यार्थी को बढ़िया आता है, तो मैं तो कहता हूँ याद कर लो, और नहीं याद हो पाया कहीं भी कंफ्यूजन आ रही है, मार्क्स की भी कंफ्यूजन आ रही है कि यार लगता है गड़बड़ ना हो जाए, तो आप सीधे क्या लिखो यू आर स्टूडेंट, मार्क्स पूरे मिलेंगे, टेंशन मत लो। तो देखिए इसका कितना मार्क्स है, 1 मार्क्स, ये देखिए थैंकिंग यू से लेकर के सेंटर तक का, तो सोचिए यहाँ कितना बड़ा महत्व है, इसलिए ध्यान रखेंगे प्लीज साइलेंटली। देखिए
अभी लिखा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग थ्री डेज लीव एज यू टेल. मैं चाहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन एक अगले पेज में लिखिए और एप्लीकेशन अगले पेज में लिखेंगे, फटाक से लिखें, क्योंकि तीन एप्लीकेशन हम सॉल्व करने वाले हैं. पहला एप्लीकेशन है छुट्टी के लिए. अब देखो, तीन दिन की छुट्टी हो, 15 दिन की छुट्टी हो, 20 दिन की हो, 1 दिन की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस इतना ध्यान रखना कि जो 1 दिन की होगी तो क्या होगा, 1 day, और 1 से ज्यादा की होगी तो क्या होगा, days, days. और कुछ बच्चे यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं. कंफ्यूजन में क्यों पड़ते हो भाई, एपोस्ट्रॉफी हर जगह नहीं लगती. मैं बताऊंगा अभी जब ग्रामर पढ़ाएंगे, एपोस्ट्रॉफी हर जगह नहीं लगती. तो लिख ले फटाक से क्वेश्चन लिखे, इसके बाद हम बोर्ड पे आ रहे हैं. फॉर्मेट आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए उसने हमको बताया है. अब देखिए डेट उसने बीच में लिखा था फॉर्मेट में, लेकिन उसने ऊपर लिख दिया, अर्थात लिखा होना चाहिए, डेट मेंशन होना चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं क्यों है, इसका कोई उन्होंने छूट दी. टू, टू के बाद कमा लगा है, द प्रिंसिपल कमा लगा है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, ये सब लिखा उन्होंने स्कूल का नाम, प्रिंसिपल के स्कूल के बाद यहां भी इवन कमा लग जाता है. अप्लीकेशन उन्होंने लिख दिया, सर आई एम, देखिए कितना सिंपल लिख दिया, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ये लिख दिया हमने, काइंडली स्पेस दिया ना हमने. तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ने जोड़ दिया, इसको अपन उठा के कहाँ रख दी, काइंडली के नीचे. देखो जो कुछ टीचर्स बताते हैं कि नहीं वो जोड़ जोड़ के लिखना चाहिए, नकल करते हैं परीक्षा अध्ययन की, वो अपन को नकल नहीं करना, क्योंकि यार स्पेस नहीं देंगे तो सामने वाला कैसे समझेगा कि आपने इतना अच्छा एप्लीकेशन लिखा. पूरा अगर आप जोड़ के लिख दोगे तो कैसे समझ में आएगा, बताइए नहीं. हालांकि जो बोल रहे हैं ठीक है, क्योंकि ये कमाल है परीक्षा अध्ययन का. परीक्षा अध्ययन वालों ने क्या किया कि पूरे एप्लीकेशन को जोड़ जाड़ के रख दिया, कोई स्पेस नहीं. अरे भैया उनकी टाइपिंग है, हम जोड़ के लिखेंगे तो एक भी नहीं समझ में आएगा सामने वाले को, आएगा क्या, ना तो पता चलेगा सब्जेक्ट कहाँ लिखा है, ना पता चलेगा कि सर मैडम कहाँ लिखा है. इसलिए मैंने कहा था कि सब्जेक्ट को काले से, अब इसमें हाईलाइट कर दिया, तो आप हाईलाइट केवल केवल सब्जेक्ट को करेंगे, इसको ब्लू से ही लिखेंगे और बाकी जगह आप हाईलाइट ना करें, हमको कोई जरूरत नहीं है, ब्लू ब्लैक का प्रयोग करते हैं. चलिए तो रहा फॉर्मेट, इसको हम एक बार मैं भी लिख के दिखा देता हूँ बोर्ड पे. तो कमांड ऑफ प्रेस देखिए, मैं एक बार बता देता हूँ. टू, एक्चुअली में आपने देखा क्वेश्चन में कि उसमें किसी स्कूल का नाम नहीं लिखा है, चलिए मैं अपने स्कूल का नाम लिख देता हूँ. टू, और इसी के जस्ट नीचे देखिए, फोकस कीजिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका ध्यान बना रहे. टू के नीचे टी एकदम जस्ट नीचे बना है कि नहीं बना, ये ध्यान रखना है. और प्रिंसिपल का टी क्या बनाओगे, कैपिटल, ये हमेशा चिल्ला चिल्ला के मैं बोलता हूँ, अगर किसी स्कूल का नाम नहीं है तो अपन अपने स्कूल का नाम कर देते हैं सीएम राइज. देखो क्या लिखोगे, सीएम राइज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो शॉर्ट में लिख देते हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी. देखिए मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, सेकेंडरी या फुल स्टॉप लिख रहा है स्कूल, ये स्कूल का नाम आपको. अब बिलोंग करता कहाँ कहाँ किस जगह में है स्कूल, कहाँ पे है भैया, आधार कार्ड में है, आधार कार्ड किस सिटी शहर में आता है, भैया ये जबलपुर में आता है. जबलपुर कहाँ आता है, मध्य प्रदेश, नामक प्रदेश में आता है. एम के बाद डॉट, टी के बाद डॉट, दोनों कैपिटल और दोनों में डॉट लगाना है. ये इसका कितना नंबर मिल जाएगा, एक नंबर. ये क्यों बता रहा था कि एकदम आपको कुछ भी नहीं आता अगर आप इतना ही लिख के आते हो, हेलो सूरज कुमार जी, इतना ही लिख के आते हो ना, एक नंबर प्रॉपर पक्का है. इसके बाद फिर स्पेस दोगे, फिर क्या लिखोगे, आप चाहे तो लिखते हैं, इसको हाईलाइट कर दे, इसको ऐसा लगाए, और क्वेश्चन में ही लिखा रहता है आपका सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, एंड अपनी. मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हमको चार भी चार चाहिए, हमको एक भी नंबर कम नहीं चाहिए. हाँ, एंड एप्लीकेशन फॉर कितने दिनों की छुट्टी की है, थ्री, और थ्री जब लिखे तो थ्री की स्पेलिंग, मैं देखता हूँ बच्चे वन टू थ्री की स्पेलिंग गलत कर देते हैं. टू बोलो तो वो लिख देते हैं टी, टी और टू पता नहीं क्या लिख देते हैं, व्हाट इज दिस. अभी मैं हाँ चेक कर रहा था, बहुत गंदा लगता है. और इसके बाद क्या लिखे, फुल स्टॉप. देखिए मार्किंग भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये हो गया सब्जेक्ट. आप सैल्यूटेशन क्या कराता है, सर, चलिए सर हो, या अगर आप दोनों लिख दो सर मैडम, कभी कभी जो पद होता है हालांकि सर ही बोलते हैं. अब यहाँ पे आई बेग टू से दैट लिखना है तो ठीक है, अगर वो कठिन लग रहा है तो उसको छोड़ो, क्योंकि हमको खुद ही बोर्ड बता रहा है कि सीधे लिख दो, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, सीधे बता दो कि आपके स्कूल का क्या हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, छात्र हूँ, और आगे क्या बताओगे. अब छुट्टी लेना है तो कोई कारण बताना पड़ेगा, क्या कहोगे, बीमारी, ये तो कहोगे बुखार आ गई है, ये तो कहोगे आई एम इल, उसमें सिंपल लिखा, क्या लिखा है, क्या लिखा है,
आई एम इन सो, मैं तो कहूंगा एक जैसे सेंटेंस याद कर लो भाई, ये तुम लोग कम नहीं करना, मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रहा हूं। सो आई एम इन सो आई एम अनेबल, अनेबल बड़ा अच्छा शब्द है, एबल से बनाना उल्टा, अनेबल तो असमर्थ हूं। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूं। ये आपने कारण बता दिया, बता दिया कि भैया मैं आपके स्कूल का विद्यार्थी हूँ और मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अब ज्यादा नहीं लिखना है, नीचे लिख दो प्लीज, क्या लिखोगे प्लीज, स्पेस दिया मैंने, ध्यान रखिए यहाँ पे स्पेस दिया। अब ये सब्जेक्ट से लेकर के यहाँ तक, अर्थात यहाँ तक कितने मार्क्स, दो मार्क्स याद रखिएगा, इतना अगर आपने लिख दिया दो मार्क्स प्लीज, फिर क्या लिखोगे या प्लीज काइंडली, काइंडली एक ही शब्द है, प्लीज लिख दो चाहे काइंडली लिख दो, ग्रांट मी या गिव मी, ज्यादा चक्कर भी नहीं पड़ना, गिव मतलब देना, ग्रांट मी लीव, लीव मतलब छुट्टी, और थ्री डेज, और इसके बाद क्या लगाएंगे फुल स्टॉप, और देखिए थैंकिंग यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, क्या लिखना है बताओ क्या लिखना है, थैंकिंग यू लिखते हैं, अरे आपकी मर्जी है, जब मैं जाना जो मन करे वही लिख देना, ज्यादा चक्कर नहीं पड़ना, थैंकिंग यू। अब देखिए हालांकि ये लाइन तो इसी में गई पर मैं इसको इसमें जोड़ देता हूँ, और अभी एक लास्ट में लिखना नेम वगैरह, तो नेम लिखने के पहले हम एक संबोधन लिखते हैं, एड्रेस लिख देना स्टूडेंट का नाम वगैरह, और मुझे लगता है इतनी प्रॉपर जगह नहीं कि मैं लिख पाऊँ, अगर आपने इतना लिख नोट कर लिया तो मैं मिटा दूँ, मिटा दूँ, वेरी गुड। तो अभी आप योर्स हैपफुली भी चलता है योर्स, अभी आप यहां पे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, मैं आपको बता दूं दरअसल यहां पे ऐस होना ही नहीं चाहिए, पर हर जगह लिखा मिलता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं, योर के बाद कुछ नहीं होता तो यहां पे योर्स होता, जब यहां पे बगल में हम लिख रहे हैं फिर क्यों ऐस लगाए, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो योर, या चलो अभी चल रहा है बेटा तुम कर लो है ना, पर ऊपर एक और स्टॉप ही नहीं रहती है ना, yours faithfully, obediently, faithfully, sincerely, ऐसे ढेर सारे वर्ड है जो आपको याद हो जाए, कोई कुछ नहीं याद हो पाए तो स्टूडेंट तो याद रहेगा, लिख दो योर स्टूडेंट, और यहां भी क्या लिखते हैं नेम, फिर क्या लिखेंगे क्लास, फिर क्या लिखेंगे डेट, ऐसे दो तीन चीजें अपन लिख के छोड़ देते हैं, हम नेम अपने लिख देंगे क्योंकि उस पर कुछ लिखा नहीं है ना, ये अपने किस्म छुट्टियों के लिए, अगर उसने स्कूल का नाम दे दे तो क्या लिखोगे, किस स्कूल का नाम, उसी स्कूल का नाम, यदि वो बच्चे का नाम दे दे क्वेश्चन दे तो किसका लिखोगे, उसी बच्चे का। अब प्रश्न आता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं तो उसमें कौन सी अभी तैयारी करें, तो देखते हैं उसके लिए, क्योंकि उन्होंने फॉर्मेट दिया कुछ क्वेश्चन दिए तो लगभग इन्हीं से संबंधित है, तो छुट्टी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बस इसी तरह के आते हैं, ये समाप्त करते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।